हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम हिंदी में अगस्त क्रांति या फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था और इसके बाद अप्रैल 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स वापस ब्रिटेन चले गए। और इसी के साथ एक बात इंडियंस की समझ में आ चुकी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एटलीस्ट वर्ल्ड वार टू के दौरान किसी भी तरह का कोई भी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफर करने के मूड में नहीं है। अब परेशानी की बात ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियंस किसी भी तरह की कोई उम्मीद कर नहीं सकते थे और उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रेजेंस इंडिया में होने की वजह से इंडिया पर जैपनीज अटैक का खतरा लगातार मंडरा रहा था। बात यह है कि अगर जापान इंडिया पर अटैक करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिया के लोगों को भी नुकसान होगा। और जापान का इंडिया पर अटैक करने का एक ही रीज़न था और वो ये कि जापान और ब्रिटेन वर्ल्ड वार टू में आमने सामने थे। गांधी जी भी इस बात को समझ रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में होना ही जापान के लिए एक ओपन इन्विटेशन है कि आओ और इंडिया को इन्वेट कर लो। इसके अलावा वर्ल्ड वार टू के चलते इंडियन इकोनॉमी की हालत ख़राब थी, चीज़ों के दाम आसमान छू रहे थे। यानी वर्ल्ड वार टू में लड़ रहा था ब्रिटेन मगर इंडिया पर उसके बहुत ही बुरे इम्पैक्ट हो रहे थे। अब गांधी जी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अगर इंडिया को जैपनीज अटैक से बचाना है और इकोनॉमी को वापस पटरी पर लेके आना है तो किसी भी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुरंत बिना किसी देरी के इंडिया से भगाना पड़ेगा। चला चलिए चलिए चलिए, सुनो, तुम्हारी छाया नहीं चाहिए इधर, हाँ? नहीं तो हमको पता है कि तुम्हारा गांव कहाँ है। चलो, चलो। इसी के चलते जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र में है। यहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसे वर्धा रेजोल्यूशन या फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन के हिसाब से कांग्रेस अब फिर से गांधी जी की लीडरशिप में एक मास मूवमेंट शुरू करने वाली थी। हालांकि कांग्रेस के अंदर के ही कुछ लोग इस मूवमेंट को लॉन्च करने के फेवर में नहीं थे, जैसे सी राजागोपालाचारी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वार टू में बिजी है और ऐसे समय में एक मास मूवमेंट लॉन्च करके हम उनके वॉर एफर्ट्स को वीक कर रहे हैं और अगर वर्ल्ड वार टू में ब्रिटेन बाई चांस हार गया तो इंडिया को जापान या फिर जर्मनी आके इन्वेट कर लेगा, तो इससे भी तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के गोवालिया टैंक पर एक मीटिंग बुलाई। गोवालिया टैंक को हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। न जाने क्या करेगा। अरे भाई बात क्या है। इसी मीटिंग में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया और नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी ने इस बार लोगों को क्लियरली बोला कि देखो, इस बार प्रॉमिस करता हूँ कि वॉइसरॉय के साथ किसी भी तरह का कोई भी नेगोशिएशन नहीं करूंगा, क्योंकि अब उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी नहीं चाहिए था। और डू और डाई का नारा देते हुए उन्होंने कहा था, या तो अब भारत के लोग भारत को फ्री कराएंगे या फिर फ्री कराने की कोशिश में शहीद हो जाएंगे। अब बैठ के तमाशा देखने का टाइम नहीं रहा। गांधी जी ने अपने भाषण में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, खासकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सोल्जर्स और पीजेंट्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। गांधी जी ने कहा था कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपनी नौकरी ना छोड़ें, बल्कि नौकरी में रहते हुए कांग्रेस को ओपनली सपोर्ट करें। सोल्जर्स भी अपनी पोस्ट ना छोड़ें और ऐसे किसी भी ऑर्डर्स को मानने से मना कर दें जहाँ पर उन्हें अपने ही लोगों पर फायर करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा पीजेंट्स के लिए ये निर्देश थे कि पीजेंट जो है वो लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दें। इसी के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस ने ये भी क्लियर कर दिया कि देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि इस मूवमेंट के दौरान ऐसा समय आ जाए कि कांग्रेस लीडरशिप लोगों तक अपनी इंस्ट्रक्शंस ना पहुँचा पाए और अगर ऐसा हुआ तो हर इंसान जो इस मूवमेंट का पार्ट बन रहा है वो अपने आप को आज़ाद नागरिक मानकर अपना सही गलत खुद डिसाइड करे और अपना गाइड खुद बने। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। गांधी जी की स्पीच खत्म हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि पुलिस ने कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को उठाकर जेल में भर दिया। इनफैक्ट गांधी जी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी जेल में डाला गया। हालांकि उन्हें नजरबंद किया गया था आगा खान पैलेस में।
प्रेस को बैन कर दिया गया था, उस पर ताले लगा दिए गए थे। गांधी जी के दोनों अखबार हरिजन और नेशनल हेराल्ड को पूरे मूवमेंट के दौरान बंद रखा गया था, जबकि दूसरे अखबारों के पब्लिकेशन कुछ समय के बाद अलाउ कर दिए गए थे। मूवमेंट शुरू होने के पहले 6-7 वीक्स तो पूरे उफान पर था, पूरे देश से लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। बड़े लीडर्स तो सब जेल में थे, तो लोगों को संभालने वाला कोई था नहीं, इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हुआ। कई सारे पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया। पोस्ट ऑफिसेस, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी अटैक किया गया। कई सरकारी बिल्डिंग्स पर से ब्रिटिश फ्लैग्स को हटाकर इंडियन फ्लैग को लहरा दिया गया। क्राउड तो मतलब बेकाबू था। ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश की गई। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए गए। ब्रिजेस तोड़ दिए गए। बच्चे स्कूल छोड़कर स्वदेशी पत्रिकाओं और आर्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए, और साथ ही साथ जहां मौका मिलता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को परेशान कर देते। ऐसे में खबर आई कि कई जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई है। इन जगहों पर एक्चुअली में आंदोलनकर्ताओं ने अपने अपने लोकल एरियाज को कुछ समय के लिए ही सही बट आज़ाद करा लिया था। हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन अंत में सही वो होता है जो समाज के लिए, जनता के लिए सही हो। जैसे बिहार के तिरहुत डिवीजन से पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटी गायब हो गई थी ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के लिए। इसके अलावा बिहार के 10 नॉर्थ एंड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के ऑलमोस्ट 80% पुलिस स्टेशंस को आंदोलनकर्ताओं ने कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से खाली करवा लिया था। महाराष्ट्र का सतारा तो बहुत लंबे समय के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद रहा। इसी तरह बंगाल के मिंडापुर डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर 1942 में जातीय सरकार बना दी गई, जो कि सितंबर 1944 तक एग्जिस्ट रही। तो ये भी एक बहुत लंबे समय के लिए पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिली। इसी तरह के केसेस यूपी के बलिया में भी देखने को मिले। कर्नाटका में भी टेलीग्राफ लाइंस को कट करने के अराउंड 1600 इंसिडेंट सामने आए। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस और पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक हुए और टेलीफोन लाइंस को भी जला दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे देश में ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रेक कर दिया गया था। बट इसके बाद जो गवर्नमेंट ने हालत की वो तो देखने वाली थी। ये बहुत ही ब्रूटल अटैक था। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर पूरा मूवमेंट शांत कर दिया। 1942 दिसंबर तक अराउंड 1 लाख लोग अरेस्ट किए जा चुके थे। बट इस बार मूवमेंट को सप्रेस करना इतना आसान नहीं था। गवर्नमेंट के इस ब्रूटल रिप्रेशन को देखते हुए भारतीय नेता छुप गए और इंडिया में अंडरग्राउंड नेटवर्क बनने शुरू हो गए, और इसी के साथ एक नई लीडरशिप उभरनी शुरू हो गई। देश को अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता देखने को मिले। इस अंडरग्राउंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नेताओं को देश के कुछ बड़े बिजनेसमैन भी सपोर्ट कर रहे थे। उन दिनों अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो देखने को मिली वो थी कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट। इसको चलाया था उषा मेहता ने, जिन्हें उषा बैन भी बोला जाता है। इनकी मदद की थी ननका मोटवानी ने। ये एक्चुअली अमेरिका के शिकागो रेडियो के ओनर थे। इन्होंने इंडिया में अंडरग्राउंड रेडियो सेटअप करने में उषा मेहता जी की बहुत मदद की। ये ब्रॉडकास्ट बॉम्बे सिटी की अलग अलग लोकेशन से किया जा रहा था, और इस रेडियो ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी मद्रास तक कैच होती थी। राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम दास, त्रिकम दास जैसे लीडर्स ने इस रेडियो स्टेशन से अपनी स्पीचेस के जरिए लोगों तक नेशनलिज्म की फीलिंग पहुंचा रहे थे। हालांकि नवंबर 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली इस रेडियो स्टेशन को खोज निकाला। इसके बाद फरवरी 1943 में खबर आई कि गांधी जी ने जेल से 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें फोर्स कर रही थी कि देश में फैले वायलेंस को रोकने के लिए गांधी जी उसे कंडेम करें, जबकि इस बार गांधी जी ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। उल्टा इस वायलेंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, भैया देखो, ये वायलेंस तो जस्ट रिएक्शन है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किए गए ज़्यादा बड़े वायलेंस का।
इसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किए गए वायलेंस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और जेल से 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। इस खबर ने जैसे मूवमेंट को एक नई एनर्जी दे दी। पूरे देश में हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक शुरू हो गई। बट गांधी जी की हेल्थ पहले से ही खराब थी और ऐसे में फास्ट को लेकर पूरे देश में कंसर्न था। हजारों लोगों ने आगा खान पैलेस को घेर लिया जहां गांधी जी कैद थे। लाखों की तादाद में गवर्नमेंट के पास लेटर्स आने शुरू हो गए कि गांधी जी को रिलीज़ कर देना चाहिए। ना सिर्फ इंडिया से बल्कि विदेशों के अखबारों में भी गांधी जी को रिलीज़ करने की डिमांड्स छपने लग गई। इसी डिमांड को लेकर वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से 3 इंडियन मेंबर्स ने रिज़ाइन तक कर दिया। उनके नाम थे MSNA, NR सरकार, HP मोदी। कमाल की बात यह है कि ये वाइसरॉय काउंसिल के ये तीनों मेंबर्स क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रूटली इंडियंस पर डंडे बरसा रही थी तब भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट अब जब इन्हें पता चला कि गांधी जी की तबीयत ख़राब है और वो फास्ट कर रहे हैं तो इन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि गांधी जी को कुछ हो जाए, तो इस पाप में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साझेदार नहीं बनना चाहते थे। एनीवेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था और अब गांधी जी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। इसीलिए 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिलीज़ कर दिया गया ताकि गांधी जी का ठीक से इलाज हो पाए। इसके बाद मूवमेंट धीरे धीरे धीमा पड़ गया। नेशनलिस्ट इस बात से काफ़ी हताश थे क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। ये तो फैक्ट है ही कि क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने में तो कामयाब रहा नहीं, बट इस मूवमेंट ने देश को आज़ादी के लिए तैयार कर दिया था। देश में नेशनलिज्म की भावना काफ़ी बढ़ गई थी। पब्लिक मोरल और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट दोनों अपने पीक पर थे और अब लोगों को ये यकीन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक भारत पर रूल नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं उन ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन की जो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ग्रुप्स के नाम हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लॉजिक ये था कि वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन USSR के साथ मिलकर लड़ रहा है और क्योंकि USSR एक कम्युनिस्ट कंट्री है तो CPI भी ब्रिटेन को वॉर में हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए CPI क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का तो आपको पता ही है, उनको चाहिए था सिर्फ पाकिस्तान, जैसे तैसे करके बस पार्टीशन हो जाए और उनको पाकिस्तान मिल जाए। इसके अलावा उनको किसी बात से कोई मतलब था नहीं और क्विट इंडिया मूवमेंट में तो उनको पाकिस्तान मिलने वाला नहीं था, इसीलिए वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट मुस्लिम लीग ने अपने फॉलोअर्स को यहाँ तक कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के चक्कर में मत पड़ो, जाकर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो और ब्रिटिश को वॉर में हेल्प करो। इसके अलावा इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका भी इसमें कोई विश्वास नहीं था। इस वीडियो के नोट्स booksava.com वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। booksava चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की वीडियोस मिल जाएंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए booksava चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग booksava।